नमस्कार, न्यूज वन इलेवन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गया के समकक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता के माध्यम से लोकसभा चुनाव को लेकर लेकर की गई प्रशासनिक तैयारी के बारे में बताया गया। और जो बाकी हमारे मतदाता हैं, प्रयास यही है कि हर मतदाता 2 से 3 किलोमीटर मैक्सिमम में आसपास में उनको पोलिंग स्टेशन मिल जाए। और कुछ ही ऐसे केसेस होंगे, बहुत कमी होंगे, जहाँ पर खासकर जो नक्सल अफेक्टेड एरिया हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग को मतदान केंद्र चेंज करना पड़ा, वहाँ पर 3 या 4 किलोमीटर हो सकता है पार्किंग। लेकिन गाड़ियों के आवाजाही पर कोई ऐसा रोक नहीं रहता है, उस टाइम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में पार्किंग एरिया का भी व्यवस्था किया जा रहा है पोलिंग स्टेशन के पास में, अगर लोग गाड़ियों को यूज़ करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता है, और मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस मैंने देख रहा था, डेटा है, इवन रिमोट एरिया में भी हमारा वोटर टर्नआउट ज़्यादा बेहतर है। आप सभी लोगों को पता है कल से जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हम लोगों ने जनवरी माह से ही चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, और उसके अंतर्गत अभी तक लगभग 8,000 लोगों के कुछ जो है सीआरपीसी के अलग अलग धाराओं के अधीन जो है प्रस्ताव समर्पित किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 2,000 लोगों को बाउंड डाउन भी कराया जा चुका है। आने वाले उस समय में हम लोग इस संख्या को और बढ़ाएंगे। हम लोगों का प्रयास ये है कि जो भी पिछले चुनावों में जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को बाधा पहुँचाई है, या पिछले कुछ समय में जो सांप्रदायिक या जातीय कांडों में आरोप पत्रित रहे हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध, और साथ ही साथ जो सामूहिक हिंसा की घटनाओं में जो लोग आरोप पत्रित रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को जो है आरोप। नवादा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन सरकारी और राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाने में जुट गई है। नवादा में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचित पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि नवादा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ कराए जाएंगे, वहीं 11 अप्रैल को मतदान होंगे। 39 नवादा लोकसभा चुनाव। अरवल के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लें, इसलिए सबसे पहले अपना मतदान सुनिश्चित करें, उसके बाद दूसरे लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करें। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा एवं शांतिपूर्ण। गोपालगंज में स्वच्छ भारत मिशन आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जहां भोरे थाना रोड पर कचरों का अंबार है, सड़कों पर जल जमाव सालों भर लगा रहता है, जिससे राहगीरों और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियां होती है। लेकिन इस ओर किसी सरकारी अधिकारी और नेता का ध्यान अब तक नहीं गया। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। समस्या है विद्यालय की, समस्या ये है कि हमारे स्कूल के सामने जो है कुछ गांव वालों की वजह से जो है नाला की सफाई नहीं होने की वजह से जल जमाव हो जा रहा है, जिसके कारण जो है हमारे स्कूल के सामने जो है अधिक मात्रा में जल का जमाव हो जा रहा है, जिससे बच्चे हमारे आ जा रहे हैं तो फिसल कर गिर जा रहे हैं, जिससे उन लोगों अनेक। झारखंड के लातेहार जिले के डीएसपी नितिन खंडेवाल के तबादले के बाद डीएसपी ओम प्रकाश ने पदभार ग्रहण किया। वहीं वार्ता के दौरान उन्होंने आम मोबाइल नंबर भी जनता के बीच साझा किया और कहा कि किसी भी प्रकार की वारदात आपको दिखती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। योगदान किए हुए मेरे को ये तीसरा दिन है। यहाँ के लोग से यही मेरी तरफ से जो आश्वासन है वो है कि किसी तरह का उनको भय डर या किसी तरह कोई समस्या हो तो। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।